हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आप सभी लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर 10 में एक्सरसाइज 10.2। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैंने आपको कल लर्न कराया था किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, ओके, या मीटर को सेंटीमीटर में एंड सेंटीमीटर को मिलीमीटर में। आज एक बार फिर से आप रिवीजन करिए मेरे साथ, जैसे हम बोलेंगे ऐसे, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ओके। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, तो 2 किलोमीटर में 2000 एंड 3 किलोमीटर में कितने मीटर्स होंगे बच्चों, 3000 मीटर्स, ओके। अच्छा, इसी प्रकार से 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, बच्चों 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, 2 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर्स, 3 मीटर्स इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर्स, ओके। अच्छा, इसी प्रकार से अब आपको 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स, जब सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है बच्चों, तो कितने का मल्टीप्लाई करना है, 10 का, यानी 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मिलीमीटर्स, 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30 मिलीमीटर। अब इसी के अकॉर्डिंग आपकी एक्सरसाइज जो दी है, अगर आपने ये यूनिट्स लर्न कर ली हैं, ठीक है, तो आपको ये एक्सरसाइज करने में बहुत ही आसानी होगी। जहाँ पर आपको करना क्या है, आज आपको कन्वर्जन ऑफ किलोमीटर्स इनटू मीटर है ना, यानी यहाँ किलोमीटर दिए गए हैं, तो अब आप इनको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। जैसे यहाँ दिया है, अब आप पेज नंबर 140 ओपन कीजिए अपनी बुक में, सभी बच्चे पेज नंबर 140 यानी 140, ठीक है। अब इसमें आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया, कन्वर्ट इनटू मीटर्स, 32 किलोमीटर, सबसे पहले लिखिए सॉल्यूशन, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, लिख लिया, 30 किलोमीटर लिखा है पहले, ठीक है। सेकेंड स्टेप में लिखिए 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, अब थर्ड स्टेप में लिखिए 32 किलोमीटर इज इक्वल टू 32 × 1000 मीटर इज इक्वल टू 32000 मीटर, हो गया कंप्लीट, वेरी गुड। तो 32 किलोमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर्स आ गए, 32000 मीटर्स। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 को भी करिए आप, 15 किलोमीटर एंड 32 मीटर, ठीक है, कन्वर्ट करना है किलोमीटर को, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर लिखा है बच्चों आपने, 15 किलोमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर हो जाएंगे, 15000 मीटर। अब 15000 मीटर में 32 मीटर प्लस कीजिए, लिखिए 15000 मीटर प्लस 32 मीटर, आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 15032 मीटर। कैसे लिखेंगे, 15032, ओके। अच्छा, अब जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को भी आपको करना है। 60 किलोमीटर है, तो 60 में 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 60000 मीटर। 60000 मीटर में आप 40 मीटर को प्लस कर दीजिए, ठीक है बच्चों, आंसर आ जाएगा 60040 मीटर। 60040 कैसे लिखना है, 6040 मीटर, ओके। अच्छा, 93 किलोमीटर, तो 93 को भी आप मल्टीप्लाई कीजिए 1000 मीटर से, क्योंकि ये किलोमीटर है और हमको कन्वर्ट करना है मीटर में, ओके। तो
अब आप लोगों ने कर लिया। इसी प्रकार से आप नेक्स्ट क्वेश्चन कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर्स। अब आप देखिए यहाँ पे बच्चों, यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन में आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए। ओके, तो 1 meter इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, अभी हमने लर्न कराया ना, 1 meter इज इक्वल टू 100 centimeters, 1 meter इज इक्वल टू 100 centimeter, 2 meter इज इक्वल टू 200 centimeter, 52 meter इज इक्वल टू 5200 centimeters। ओके, है ना बहुत इजी, बस आपको यूनिट्स लर्न करनी है और मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ पर जितने मीटर्स हैं उनमें आपके सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करिए। थर्ड जैसे यहाँ 52 meter 18 centimeter लिखा है, सेकेंड स्टेप में लिखिए 52 into 100 centimeter। ओके, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5200 centimeter। थर्ड स्टेप में लिखिए 5200 plus 18 centimeter इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5218 centimeter। ओके, तो अब आप लोग लिख लेंगे। इसी प्रकार से बच्चों 104 में भी आप 100 का मल्टीप्लाई कीजिए, तो मीटर है, मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर आपको उसमें 90 centimeter प्लस करना है। 81 meter यानी क्या करना है बच्चों, 81 meter इंटू, अब 81 को मीटर को आप कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो इसमें भी आपको करना है 100 का मल्टीप्लाई। ओके, तो जब आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर में। 81 into 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8100 centimeter। यूनिट लिखना ना भूले बच्चों, यूनिट ज़रूर लिखिए। ओके, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया आज का वर्क, और ये वर्क आपको अपनी नोटबुक में करना है और साथ में उसमें डेट मेंशन करनी है। ठीक है बच्चों, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है वो बच्चे हमसे डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हम तो बिना, जब तक आप लोग पूछेंगे नहीं तो हम तो नहीं समझ पाएंगे कि आपको नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, इसलिए जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा वो हमसे पूछेंगे। और हाँ, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर एग्जांपल पेज नंबर 140 में दिए गए एग्जांपल्स हैं 2, वो आप आसानी से देखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में और भी इजी रहेगा। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।